तमाम तरह के विरोधों और हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज हो चुकी है, लेकिन जनाब रिलीज के साथ ही पद्मावत ने धूल चटा दी प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 को। तोड़ा है बाहुबली 2 और दंगल जैसी फिल्मों का बड़ा रिकॉर्ड। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ राज्यों में फिल्म पद्मावत रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई ताबड़तोड़ जारी है। फिल्म की ओपनिंग शानदार मिली है और इसी ओपनिंग के साथ ही पद्मावत ने बाहुबली 2 और दंगल जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए कई रिकॉर्ड्स धराशाही कर दिए हैं। जी हां, और इसी कड़ी में पद्मावत का पहला शिकार बनी है सुपरस्टार प्रभास की फिल्म बाहुबली 2। और पद्मावत ने बाहुबली का ये रिकॉर्ड तोड़ा है ओवरसीज कमाई के मामले में। दरअसल ओवरसीज यानी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इनकी कमाई के मामले में संजय लीला भंसाली की इस फिल्म ने एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 को बुरी तरीके से धूल चटाते हुए अच्छी खासी कमाई की है, जहां पर पद्मावत ने $367 यानी कि 2,33,00,000 रुपए की ओपनिंग की है। वहीं पर बाहुबली ने ओपनिंग की थी 1,35,00,000 की, यानी कि पद्मावत ने ओवरसीज के मामले में बाहुबली से तकरीबन दुगनी कमाई की है, दुगनी ओपनिंग की है। पर जनाब पद्मावत ने न सिर्फ बाहुबली को पीछे छोड़ा है बल्कि दंगल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। पहले ये रिकॉर्ड आमिर खान की फिल्म जिसकी विदेशों में ओपनिंग कलेक्शन थी 1,57,00,000 रुपए, पर दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर एंड रणवीर सिंह की इस फिल्म ने ओवरसीज ओपनिंग 2,33,00,000 के साथ करते हुए आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दी है फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श ने एक ट्वीट के माध्यम से। जी हाँ, इस ट्वीट में उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के बारे में, वहां की कमाई के बारे में बात की है, पद्मावत के बारे में बात की है। अब ऐसे में बाहुबली जैसी फिल्म को पीछे छोड़ना पद्मावत के लिए एक बहुत ही बड़ी और खुशी वाली खबर है, क्योंकि अब तक देखा जाए तो पद्मावत के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबरें नहीं आई थी रिलीज से पहले। लगातार विरोध, सबका टेंशन का माहौल, हाई वोल्टेज ड्रामा, सब कुछ था। पर अब फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली के लिए ये खबर एक बहुत ही अच्छी खबर है। इंटरनेशनल मार्केट में बॉलीवुड फिल्मों का बढ़ता ग्राफ और कमाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी बताता है कि सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बॉलीवुड फिल्मों के कद्रदान हैं। लेकिन इस बार पद्मावत ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए की है धुरंधर कमाई और तोड़ा है बाहुबली का रिकॉर्ड। फिल्मी बीट के इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।